हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SVC क्लासेस। मैं हूं सुमित वर्मा। मैं एजुकेशनल वीडियोस पर काम करता हूं और कोशिश करता हूं जो भी मैं हेल्प कर सकूं स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि मैं बहुत अर्ली स्टेजेस में हूं, स्ट्रगल मेरा जारी है अभी। और ऐसे ही अनुभवों से मैं एक चर्चा करना चाहता हूँ इस वीडियो में, और वो ये है कि क्या आपने अपने आसपास इन दो टाइप्स के स्टूडेंट्स को देखा है? वो दो टाइप्स क्या हैं? एक टाइप के स्टूडेंट कौन होते हैं? जो ग्रामीण परिवेश से हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, गरीब फैमिली से आते हैं, चाहे वो किसान फैमिली हो या मजदूर फैमिली, वो अपने माता पिता की खेतों में मदद करते हैं या फिर मजदूरी भी करते हैं, मेहनत करने के साथ साथ पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं गांव के ही स्कूल से, हिंदी मीडियम स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से। आप सबको पता है कि वो किन संघर्षों के साथ पढ़ाई करते हैं और उनके अंदर टैलेंट भरपूर होता है, उनके पास दिमाग की कमी नहीं होती, टैलेंट की कमी नहीं होती, लेकिन इन सब समस्याओं से लड़ते लड़ते जूझते जूझते बहुत मेहनत करने के बावजूद जो उनका परसेंटेज होता है वो एक एवरेज में बात करूँ तो 70, 75, 80 तक पहुँच पाता है। इससे ज़्यादा कुछ ही बच्चे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई नहीं लेता, इससे ज़्यादा कुछ ही बच्चे हैं जो इन बाउंड्रीज को क्रॉस कर पाते हैं। या तो वो ओवर टैलेंटेड होते हैं या फिर उनके पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही मेहनत करते हैं कि इन समस्याओं, इन अभावों से अपने बच्चों को दूर रख पाते हैं। एक तो ये। सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स कौन होते हैं? जो अमीर फैमिली से होते हैं, जिनको घर बैठे बिन मांगे सारी सुविधाएं मिलती है, स्टडी टेबल पर हर किताब मौजूद होती है, लैपटॉप मोबाइल सारा कुछ मौजूद होता है। जिस कोचिंग क्लास में और जितनी कोचिंग क्लासेस में वो जुड़ना चाहते हैं उनके पेरेंट्स उन्हें वो सुविधा अवेलेबल कराते हैं। जिस शहर में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, जिस कॉलेज जिस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं वहाँ उन्हें पढ़ने की सुविधा मिलती है। इंग्लिश मीडियम स्कूल और प्राइवेट स्कूल, टॉप स्कूल्स और कॉलेजेस से वो पढ़ाई करते हैं। और वो उनके पास अगर जो भी टैलेंट है, जो भी योग्यता है, उसका वो इस तरह से यूज़ कर पाते हैं कि वो इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज या फिर MBA, BBA, इस तरह के कोर्सेज को न सिर्फ करते हैं बल्कि आगे चलकर वो सक्सेसफुल भी होते हैं। चाहे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करके वो हज़ारों लाखों कमा रहे होते हैं या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भाग लेकर वो एक अच्छी जॉब पा लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब पा लेते हैं, IAS, UPSC का एग्ज़ाम देकर IAS बन जाते हैं, MPPSC दे देते हैं या फिर रेलवे SSC, इस तरह के एग्ज़ाम्स में टॉप रैंक हासिल करके जॉब पा लेते हैं। तो जो बच्चा ग्रामीण परिवेश से आता है, अगर आपने इन दोनों स्टूडेंट्स को देखा होगा तो आप समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपनी दया दिखाएं उस गरीब बच्चे के लिए या ग्रामीण परिवेश के लिए, लेकिन कम से कम तुलना ना करें, क्योंकि इस मेहनत और इस अभाव के साथ वो बच्चा कंपटीशन, उसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठता है जिसमें वो बच्चा जो शहर और जो मैंने सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट बताया, अमीर फैमिली से आया हुआ है, सारी सुविधाएँ उसे बिन मांगे मिली, जिसे कोई मेहनत का काम करना नहीं था सिवाय पढ़ाई के, ये दोनों साथ में कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भाग लेते हैं और गरीब बच्चे की आप तुलना करते हो उससे, आस पड़ोस वाले रिश्तेदार ये कहकर तुलना करते हैं, देखो उसकी जॉब लग गई, वो लाखों कमा रहा है, वो 80,000 कमा रहा है, वो 20,000 कमा रहा है, वो 25,000 कमा रहा है, तूने क्या किया इतने साल में, या फिर ये इस एग्ज़ाम में बैठा, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब रहने दे, मजदूरी कर, खेती कर। ये तुलना मुझे लगता है ये सही नहीं है। वो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी ये शायद जो सेम स्टेज में बच्चा होगा वही समझ सकता है। तो मुझे लगता है ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ तो हमारी गवर्नमेंट को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ पर सेम फैसिलिटी जो एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को मिलती है, एक शहर के स्कूल के स्टूडेंट को मिलती है, वही गांव के और गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट को भी वही फैसिलिटीज़ मिले, ताकि कंपटीशन का लेवल सेम हो सके। उसी एग्ज़ाम में बच्चा बैठता है लेकिन दो अलग अलग स्टेज, दो अलग अलग परिवेश से आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये फेयर है, ये कंपटीशन फेयर नहीं है। ये ठीक वैसे ही हो गया कि आप घोड़ों की रेस में हाथी को दौड़ा रहे हो, यहाँ सही कंपटीशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंजेस की ज़रूरत है, इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या हम कोई ऐसी एजुकेशन सिस्टम नहीं ला सकते जहाँ पर जो सुविधाएं आप प्राइवेट स्कूलों में अमीर बच्चों को मिल रही है वही गरीब बच्चों के को भी मिल सके, ताकि उनके अंदर का भी टैलेंट, उनके अंदर का सपना भी निखर कर सामने आ सके। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए। और या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जॉब की कैटेगरी इस तरह से डिवाइड करिए या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम्स
का ऐसा कुछ पैटर्न बनाइए जहाँ कंपटीशन फेयर हो सके, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं जो टॉप स्कूल्स या कॉलेजेस से पढ़ के आए हैं उनका कंपटीशन उनके साथ करवाइए ताकि फेयर कंपटीशन लगे, और फिर देखते हैं कि सक्सेस रेट क्या होता है। तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, ये डिस्कशन, ये टॉपिक जो मैंने अभी इस वीडियो में चर्चा किया। यदि आपको पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ऐसे ही स्टूडेंट्स के साथ। आप जिस भी कम्युनिटी से हैं, दो टाइप के जो स्टूडेंट बताएं जिसमें भी हैं, मैं किसी टाइप के बच्चों की आलोचना नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्यों अमीर हैं या क्यों इंग्लिश मीडियम से हैं, बस मैं इस टॉपिक की ओर सबका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है आपको ये जो चर्चा मैंने की वो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और भी लोगों के साथ ताकि ये जो मुद्दा है ये और भी लोगों तक पहुँचे, उनके भी दिमाग में ये बातें थोड़ी सी उन्हें झकझोरे कि हाँ ये बात सही है। और साथ ही साथ अगर आपका भी कोई विचार है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, स्वागत रहेगा आपके कमेंट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ।